फ्रेंड, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पतंग को कैसे उड़ाया जा सकता है। तो पतंग को उड़ाने के तरीके होते हैं कुछ, जिसकी वजह से ही पतंग हमारी अच्छे से उड़ती है, क्योंकि पतंग का ये मौसम आ गया है, 15 अगस्त तक हम पतंगें उड़ाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम पतंग को कैसे बांधेंगे। हम जो पतंग के यहाँ पे धागे बांधते हैं उनको हम कन्ने बोलते हैं, तो वो कन्ने बांधना मैं आपको दिखाऊंगा और कितनी दूर पे बांधना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब पतंग को उड़ाने के लिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारा हेड होता है ऊपर की तरफ और नीचे हमारी टेल होती है। तो बेसिकली जब मैं इसको उड़ाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं ये मेरी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो मेरी पतंग बेसिकली इस तरीके से उड़ती है। अगर आप इसको इस तरीके से उड़ाने की कोशिश करेंगे कि आप धागे को यहाँ बांधेंगे तो वो नहीं उड़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको धागे को इस तरफ बांधना है और इस तरीके से बांधना है कि ये वाली चीज़ जो मेरी यहाँ पर लूज है ये धागे के साथ टाइट हो जाए। तो मैं इसको मैं टाइट कर लूँगा और इस तरीके से उड़ाऊँगा कि मेरी हेड जो है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, पैर मेरा हमेशा नीचे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ करीब 1.5 फुट का ये धागा ले लिया है, इसको मैंने डबल कर लिया है, जो मैं इसके कन्ने बांधने में इसकी मेरे को ये काम आएगा। तो मैं इसको मैं टाई कर लेता हूँ एक तरफ से और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से इसमें कन्ने बांध सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहले मैं किसी भी दो तरफ, इस तरफ या इस तरफ, इसमें छेद करूँगा दो। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रब करके यहाँ पर छेद कर लूँगा। तो मेरे दो छेद यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा कि मुझे यहाँ पर कितनी दूर धागा बांधना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ पतंग के हिसाब से, मैं यहाँ से ऐसे एक पूरा हाथ अपना निकाल के और फिर +4 करता हूँ और मैं यहाँ पर धागा बांधता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी एक छेद कर लूँगा, तो यहाँ पर भी एक छेद हो गया। तो अब धागा बांधेंगे, यहाँ से निकालेंगे ये, मैंने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया। अब मैं सेम तरीके से यहाँ से भी इसको निकालूंगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको बांध दिया है। तो अब अगली टास्क मेरी क्या होती है कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर धागे को बांध देता हूँ तो मेरा धागा स्लाइड कर सकता है, या फिर क्योंकि धागा थोड़ा तेज होता है तो वो दूसरे धागे को काट भी सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी गांठ लगा दूंगा और मुझे गांठ इस तरीके से लगानी होगी कि इस तरफ का धागा ज़्यादा बड़ा होगा, इस तरफ का धागा छोटा होगा। धागा जो हेड की तरफ होगा वो छोटा होगा और जो टेल की तरफ होगा वो लंबा होगा। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर एक गांठ को बांध दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा धागा बंधा हुआ है वो हेड की तरफ से छोटा है और टेल की तरफ से थोड़ा सा लंबा है। तो हमारी पतंग का काम हो चुका है, अब बस मुझे धागे को अपने मांझे के साथ जोड़ के उड़ा देना है। तो मांझे में मुझे तो खास ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि हम चाइनीज़ मांझे का यूज़ ना करें, क्योंकि चाइनीज़ मांझा हम उड़ाते हैं तो वो हमारे लिए भी और जो भी पक्षी वगैरह उड़ते हैं उनके लिए भी काफ़ी ख़तरनाक होता है। क्योंकि हमारी पतंग अगर हवा में उड़ रही है और कोई भी पक्षी उससे टकरा जाता है तो चाइनीज़ मांझा बहुत तेज होता है, तो उससे उनके पंख कटने का या फिर उनको चोट लगने का बहुत रहता है। उसी तरीके से हम जब पतंग को उड़ाते हैं इस तरीके से तो हमारे हाथ भी कट सकते हैं, तो इसलिए नॉर्मल मांझा ही इस्तेमाल करें और इंजॉय करना पसंद करें कि हाँ भाई आप बहुत बढ़िया पतंग उड़ा रहे हैं। ऑल सेट। पतंग उड़ाने में ये जरूर देख लेना है पहले कि हवा की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन कहीं और की होती है, हम कहीं और उड़ाने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारी पतंग ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो मैं सबसे पहले पता करता हूँ किसी भी कोई भी चीज़ को लेकर उसको उड़ा के कि वो किस तरफ उड़ा। तो
तो आप देख सकते हैं कि मेरी डायरेक्शन इस तरफ की, तो मुझे बेसिकली पतंग को उस तरफ उड़ाना है, ना कि उस तरफ उड़ाना है। तो इस तरीके से मेरी पतंग जल्दी भी उड़ेगी। अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में उड़ाऊंगा तो वो स्लो डाउन हो सकती है और काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी हवा उस तरफ की है, तो हम पतंग को उस तरफ से उड़ाना शुरू करेंगे। यहाँ से उड़ाएंगे, उस तरफ उड़ाएंगे। इससे पहले जो कुछ चीज़ें को हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम छत से आगे पतंग को उड़ा रहे हैं, तो मैं पतंग उड़ाते टाइम किसी भी कॉर्नर में जाके छत पे पतंग ना उड़ाऊं। क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, और अगर मेरी छत की दीवारें बहुत छोटी हैं, तो क्योंकि हमारा सारा ध्यान पतंग को उड़ाने में ऊपर की तरफ रहता है, और मैं अकेला छत पर पतंग उड़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं छत से गिर जाऊँ या मुझे चोट लग जाए। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है। हमें कोशिश करनी है कि हम छत पे बीच पे कहीं खड़े होके आराम से एक जगह पर स्टेबल होके ही पतंग को उड़ाएं। दूसरा, जैसे मैं कई बार पतंग उड़ा रहा हूँ तो पतंग कई बार कट जाती है, टूट जाती है, उस सिनेरियो में भी मुझे ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है कि मेरी पतंग टूट जाती है तो मैं भाग के उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, तो उस जल्दी में भी हो सकता है कि मुझे चोट लग जाए। तो मुझे उन चीज़ों का भी ध्यान देना है। मुझे पतंग को उड़ाते टाइम सिर्फ पतंग को उड़ाने का एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। पतंग टूट जाती है, फट जाती है, गिर जाती है, तो बहुत सस्ती पतंगें आती हैं हमारी, तो पैसे कोई मैटर नहीं रखते, हमारी जान मैटर रखती है। तो हमें अपनी जान को ध्यान रखते हुए हमें अपनी पतंग को उड़ाना है और उस टाइम को एंजॉय करना है। देख सकते हैं मैं अकेला हूँ जो पतंग को उड़ा रहा हूँ, तो मुझे अकेले पतंग उड़ाते टाइम मैं इसको अपने चरखे को, मैं इसको चरखा कहता हूँ, तो इसको मैं कहीं रख नहीं रहा हूँ, इसको मैं अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ के रखूँगा कि ताकि जो धागा है वो इस तरीके से निकलता रहे ईजीली। और मुझे जब मैं उसको ढील दूंगा और उसको खींचूंगा, तो उस टाइम पे मुझे ये ध्यान देना है कि मैं एक ही जगह पर सारे धागे को इकट्ठा ना होने दूं, उसको दूर दूर रखूं, तो ताकि मुझे बांधते टाइम वो सारा धागा उलझ ना जाए और आसानी से वापस बंद हो जाए। तो जिस तरीके से अगर ये धागा निकल जाता है, आप इस तरीके से देख रहे हैं कि धागा निकल गया है, तो इसका बांधने का तरीका इस तरीके से नहीं होता है। मुझे इसको इस तरीके से अपने हाथ पर यहाँ पर रखना है और इस तरीके से अपने हाथ पे रखते हुए इस धागे को बांधना है। ये तरीका इसलिए है क्योंकि ये तरीका फास्ट भी है और दूसरा इजी भी है। क्योंकि अगर मैं इस अपने हाथ को इस तरीके से रखते हुए अपने धागे को अगर बांधूंगा, तो कोई धागा अगर उलझा हुआ भी होगा तो वो खुल के मेरी इसके ऊपर आराम से बंद हो जाएगा, बंध जाएगा। अब जैसे मैं इस पतंग को ऊपर की तरफ उड़ाता हूँ, तो मुझे ये जरूर ध्यान देना है कि मेरी जो हेड है, जो मैंने हेड आपको बताया था, वो मेरा हेड ऊपर की तरफ होना चाहिए, टेल मेरी नीचे की तरफ होनी चाहिए। और जब मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा, उस टाइम पे मुझे अपनी इसको यहाँ से धागे को चरखे से छोड़ना होगा, तो उस तरीके से मेरी पतंग दूर भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी। और उसी तरीके से जब मैं पतंग को खींचूंगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जब मैं उसको ढील दूंगा, जब मैं मांझे को अपने धागे को छोड़ूंगा, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। तो मुझे ये दोनों चीज़ों को साथ के साथ करते रहना होगा कि मैं उसको ऊपर भी खींचता रहूँ और ढील भी देता रहूँ, ताकि वो ऊपर भी जाती रहे और आगे भी जाती रहे। तो अब हम पतंग को उड़ा के देखते हैं। आप देख सकते हैं जब मैंने पतंग को उड़ाया, अब मैं धागा छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे जाती है, मैं इसको खींचता हूँ तो ये ऊपर आती है। मैंने इसको खींचा, ये ऊपर आई, अब मैं धागा छोड़ूंगा, मैंने ढील दी इसको तो ढील नीचे जाने लग गई, फिर इसको मैंने खींचा तो ये ऊपर आने लग गई। तो मैं अकेले ही पतंग को इंजॉय कर सकता हूँ उड़ाते टाइम। अब क्योंकि मेरी जो डायरेक्शन है, मैं जहाँ देख रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब मैं छत पे पतंग को उड़ा रहा हूँ तो मुझे एक मिडल जगह पर कहीं पर आकर पतंग को उड़ाना है, मुझे किसी कॉर्नर में जाके पतंग को नहीं उड़ाना है। क्योंकि मेरा सारा ध्यान ऊपर है, मैं ऊपर की तरफ देख के ही पतंग उड़ा रहा हूँ, तो मैं आगे पीछे कहीं भी जाके गिरने का मेरे को डर लगा रह सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मेरे साथ कोई और है तो मैं बच्चों के लिए तो ये खासकर बोलूँगा कि अगर वो छत पर पतंग उड़ा रहे हैं तो वो अकेले ना उड़ाएं, किसी के साथ उड़ाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक बंदा अगर पतंग की तरफ ध्यान दे रहा है, एक बच्चा अगर पतंग को देख रहा है, तो दूसरा बच्चा ये देख सकता है कि दूसरे बच्चे ने कोई गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, वो इधर उधर गिरने वाला तो नहीं है, या फिर वो धागे को भी बांध सकता है। तो इस तरीके से हम बारी बारी करके पतंग को उड़ा सकते हैं और उसको इंजॉय कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर एक ही बच्चा घर पर है, तो वो सावधानियों के साथ पतंग को उड़ा कर इंजॉय कर सकता है इस टाइम।
अब आप देख सकते हैं मेरी पतंग कितनी ऊपर उड़ रही है, और अब क्योंकि मैं अकेला हूँ पतंग उड़ाने के लिए, तो मुझे उतारते टाइम क्या ध्यान रखना है कि मेरी चरखी यहाँ पे रखी हुई है, मेरा धागा इस तरह तरीके से है, तो मैं जब उसको उतारूंगा तो मैं एक ही जगह पर सारे धागे को ऐसे इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं उसको इस तरीके से इकट्ठा करूंगा ताकि जब मैं उसको उतार रहा हूँ तो धागा मेरा दूर दूर रहे, ताकि जब मैं उसको फोल्ड करूंगा वापस तो वापस फोल्ड करते टाइम वो उलझेगा नहीं। अगर मैं उसको एक ही जगह पे सारा इकट्ठा कर दूंगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे उसके उलझने के, और उसके इसमें अगर वो उलझ जाता है तो वो टूट भी सकता है, उसमें गांठें भी बन सकती हैं, वो उलझ भी सकता है, तो उस केस में फिर हमें उड़ाते टाइम ही दिक्कत आती है, क्योंकि अगर धागा कहीं से टूटा हुआ हो, कहीं पर जॉइंट हो, तो उस केस में फिर जब हम उड़ा रहे होते हैं उसको छोड़ रहे होते हैं तो उसमें हाथ को कटने का या टूटने का डर रहता है, तो उसमें हो सकता है कि आप पतंग को उड़ाएंगे और उड़ाते एकदम से आपकी पतंग टूट के उड़ जाएगी। दूर कर दोगे? आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप पतंग को उड़ाएं और पतंगबाजी को एंजॉय करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पतंग उड़ाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो कमेंट करके, कमेंट में आप मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।